नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त स्वागत है आज की इस फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एडसेंस अकाउंट्स के बारे में। अब देखिए, अगर आपके पास खुद की वेबसाइट या तो आपका यूट्यूब चैनल है, इसका मतलब कि आपके पास खुद का गूगल एडसेंस अकाउंट है, तो जो मैंने गलती की है वो आप गलती कभी मत कीजिएगा, वरना आपको पछताना पड़ेगा। अब देखिए, मैं कैसा फील कर रहा हूँ मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आज मैं आपको देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप फर्दर फ्यूचर में अच्छी तरह से गूगल एडसेंस की मदद से अर्निंग करना चाहते हो, या तो आप अपने सभी गूगल एडसेंस अकाउंट को सेफ रखना चाहते हो, तो आज का वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर जो मेरी सबसे बड़ी गलती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और ये देखने के बाद आप शायद ये गलती ना करो, ऐसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए बाद में आपको बहुत ही सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज का वीडियो देखते रहिए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ डिटेल में दिखाने की कोशिश करूँगा, सब कुछ जो है वो सब कुछ मैं आपको दिखा दूँगा, और इसके बाद मैं जो लास्ट में आपको बताऊँगा कि एक्चुअली अगर आपको फर्दर फ्यूचर में यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको गूगल एडसेंस की मदद से अर्निंग करनी है तो कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, क्योंकि देखिए बहुत ही सारे आजकल जो एडसेंस के अंदर पॉलिसी अपडेट हुई है, इसके साथों साथ बहुत ही सारे यूज़र जो नई वेबसाइट बना रहे हैं और नया ब्लॉग बना रहे हैं और जो एडसेंस डिपेंड है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक्चुअली गलती क्या की है। तो सबसे पहले देखिए, मैं सबसे पहले आपको देखा तो मेरे पास बहुत ही सारे एडसेंस अकाउंट हैं, लेकिन जो मैंने गलती की थी वो गलती की थी 2017 में। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये सबसे पहले जो मैं एडसेंस आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको यहाँ पर एडसेंस दिखा देगा। सबसे पहले आप एडसेंस अकाउंट देख लीजिए, इसके अंदर कितनी वेबसाइट है, टोटल 9 वेबसाइट है। अब देखिए मुझे क्या करना पड़ा, अनफॉर्चुनेटली मुझे जो गूगल की एडसेंस पॉलिसी साथों साथ आपको देखिए, मैं वेबसाइट का डोमेन आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इसके अंदर मैंने टोटल 9 वेबसाइट ऐड करके रखे थे। अब देखिए आप अंदाज़ा लगाइए कि 9 वेबसाइट एक एडसेंस में ऐड करना कितना रिस्क हो सकता है। तो सेम गलती मैंने दूसरी बार की, देखिए आपको दूसरा एडसेंस दिखाता हूँ जो कि मैंने क्रोम के अंदर ओपन करके रखा है, इसके अंदर भी आपको किसी भी डोमेन नहीं दिखा देगा, लेकिन आपको यहाँ पर दिखा देगा कि इसके अंदर मैंने कितनी जो वेबसाइट ऐड करके रखी है, 7 वेबसाइट। तो टोटल कितनी वेबसाइट हुई, 16 वेबसाइट हुई। इसके बाद देखिए जो मैं आपको क्या जो समझाना चाहता हूँ कि अगर आप जो एडसेंस अकाउंट अप्रूव करवा दो तो कभी भी आपको एक ही एडसेंस अकाउंट के अंदर आपको इतनी सारी वेबसाइट ऐड नहीं करनी चाहिए। अब देखिए मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखिए जितनी भी वेबसाइट है वो सभी वेबसाइट को मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, या तो जो दूसरी वेबसाइट है वो सभी वेबसाइट को मुझे डाउन करना पड़ेगा, इसके बाद इसका सॉल्यूशन हो सकता है, वरना क्या होगा कि मेरा ये एडसेंस अकाउंट वो रिजेक्ट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा एडसेंस की नई पॉलिसी के मुताबिक। अब देखिए इस केस में मैं आपको डोमेन नहीं दिखा सकता कि मैं किस किस वेबसाइट से जो कौन कौन सी वेबसाइट मैंने ऐड करके लगे, लेकिन आपको यहाँ पर देखा देगा, देखिए टोटल कितनी है, 9 वेबसाइट, इसके बाद इसके अंदर 7 वेबसाइट। तो मैंने क्या किया, अब देखिए 2018 के अंदर जितना भी मैंने एडसेंस अकाउंट का अप्रूव लिया, इसके बाद जितनी वेबसाइट के साथ मैं एडसेंस का यूज़ करता हूँ, तो इसके बाद मैंने क्या किया कि सिंपली देखिए आपको यहाँ पर देखा एक और एडसेंस, इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे एडसेंस हैं, लेकिन देखिए अब मैं क्या करता हूँ, जो वेबसाइट की मदद से मैं एडसेंस का अप्रूवल लेता हूँ वहीं वेबसाइट के अंदर आप यूज़ करना है। अब देखिए इसके अंदर आपको देखा देखिए जस्ट सिंगल वेबसाइट, तो मैं भी आपको ये जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप एडसेंस की मदद से लॉन्ग टर्म में अर्निंग करना चाहते हो तो कभी भी आपको एडसेंस के अकाउंट के अंदर मल्टीपल वेबसाइट ऐड नहीं करनी चाहिए, ये मेरा आपको पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे मैंने बताया इस तरह से 16 वेबसाइट में से मुझे समथिंग 13-14 वेबसाइट को तो डाउन करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है और क्या जो मैं अभी सर्च कर रहा हूँ गूगल के और नेट के अंदर कि एक्चुअली इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हम ये 16 वेबसाइट को अलग कर सकते या नहीं, तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, देखते हैं फिर भी कि क्या होता है। तो जो आप ये गलती ना करो इसलिए मैंने वीडियो बनाया, और ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि देखिए 2017 में क्या था कि मैं भी बिगिनर था, इतना मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि गूगल आगे जाके इतनी सारी पॉलिसी को अपडेट करेगा और आपको प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बाद देखते हैं क्या होता है, और मैं जो अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि नेट के अंदर कि एक्चुअली इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हम सभी वेबसाइट को एक एडसेंस अकाउंट से अलग अलग एडसेंस अकाउंट में ऐड कर सकते या नहीं, तो मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। अगर आप यूज़र में से किसी को पता है कि इसका सॉल्यूशन है, आप जो सभी वेबसाइट को अलग अलग कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएगा, ताकि जो
मेरा इसका सोल्यूशन हो जाए और मैं अच्छी तरह से एडसेंस अकाउंट को चला पाऊँ। वैसे तो मेरे पास बहुत ही सारे एडसेंस अकाउंट हैं, जो इसमें किसी भी प्रकार टेंशन नहीं है। जैसे कि देखिए, ये जो वीवूम है, इसके बाद BM Tactics है, वो सभी के एडसेंस अकाउंट है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन मैंने जो मेरे पास कुछ एडसेंस है, इसके अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा वेबसाइट को ऐड कर दिया था, इसे ये सभी प्रॉब्लम हुआ है। तो मेरा तो आपको एक ही रिकमेंड रहेगा कि अगर आप एडसेंस अकाउंट की मदद से अर्निंग करना चाहते हो, इसके बाद बहुत सारे यूजर मुझे पूछते रहते हैं कि क्या हम एडसेंस अकाउंट के अंदर करियर बना सकते या नहीं। तो जी हाँ, बना सकते हो, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही अंडरस्टैंड के साथ चलना पड़ेगा, तो ही आप आगे जाके एडसेंस की मदद से अर्निंग कर पाओगे। वरना अगर आप मेरी जैसी गलती करते हो तो आप बहुत ही पछताओगे, जितना कि मैं पछता रहा हूँ। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, अभी तो मैं सभी वेबसाइट को मैंने डाउन भी कर दिया, अब देखिए सभी वेबसाइट को मैंने अनवेरीफाई भी कर दिया है, तो इसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आता है। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे एडसेंस अकाउंट है, वो सभी करंटली चल रहे हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने आपको जैसे सिखाने के लिए और दिखाने के लिए कि आपको ये कभी जो गलती है वो कभी नहीं करनी है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया था। आशा रखता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सपोर्ट करके आने वाले टाइम पे जो भी मैं अपडेट्स करूँ और जो भी मैं एडसेंस अकाउंट के साथ करूँ, वो इसका लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाए।